नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D प्लेन से अपने आप को 4D प्लेन पे, अपने 5D प्लेन पे कैसे लाते हैं, मतलब अपनी लोअर सेल्फ को अपने हायर सेल्फ में कैसे बदलते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप कोई भी इच्छा को अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी इच्छा, कोई भी विश अपनी पूरी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, इसके पीछे पूरी एक साइंस है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से निकाल सकते हैं। एक्चुअली आपके 3D प्लेन से, मतलब जो आपका 3D वर्ल्ड है, जहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसे इसमें मनी, सेक्स और फूड, जो एनिमल्स भी बेसिकली करते हैं, उससे हम 4D प्लेन पे और 5D प्लेन पे कैसे आ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या 5D प्लेन, क्योंकि इस प्लेन पे जब आते हैं आप एनर्जी की प्लेन पे, तो आप वाइब्रेशन महसूस करने लगते हैं, आप एनर्जी महसूस करने लगते हैं, आप एक तरह से एक हायर फॉर्म में अपने पहुंच जाते हैं, आप लव फ्रिक्वेंसी के हाइएस्ट फॉर्म पे हो गए। जब अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, सभी कुछ आप ला सकते हैं। किसके थ्रू? एक्चुअली लोअर सेल्फ, जैसे कि लोअर सेल्फ क्या होता है, 3D या उससे भी लोअर, आपकी 2D प्लेन, जो कि एनिमल्स भी कुछ नहीं करते हैं, उस प्लेन पे अब धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होती है, तो आप 3D प्लेन से, मतलब जो लोग बेसिकली सिर्फ मनी, सेक्स और फूड, इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप भी में सेंटर में सेक्स रहता है, एक अट्रैक्शन के बेसिस पे वो चलता है, वहाँ पे प्यार नहीं होता है, वो एक दूसरे की नीड को बस पूरा करते हैं। एक्चुअली वो लोग 3D प्लेन पे होते हैं जो इस तरह के कोई भी कनेक्शन जो कि आत्मिक लेवल का हो, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी एक्चुअली हायर सेल्फ का कनेक्शन होता है, बट उसको कुछ लोग जब 3D वर्ल्ड पे, जो पहला लोअर प्लेन है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी डायमेंशंस बढ़ती जाएगी, जैसे कि आपका ये प्लेन आपका 3D प्लेन है, और यहाँ पे जब सोल लेवल पे आप आते हैं तो 4D प्लेन पे है, और इसको कैसे बढ़ा के आप 5D प्लेन पे अपने आप को कर सकते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज को फील कर पाते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 3D प्लेन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पाम में भी कुछ साइन में बताने वाला हूँ जिसका आप यूज कर सकते हैं, वही मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए चंद्रमा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ जो विशेष ग्रह निकले लिखे हुए हैं वो उस ग्रह को, उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बेसिक मूल ऊर्जाएं हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपका यहाँ पर राहु जो पर्वत होता है वो बहुत उठा हुआ है, या बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को काटती हैं, या किसी भी प्रकार का दोष है, या उससे विपरीत अगर कोई सकारात्मक चीजें, जैसे कि आप में ये इंट्यूशन लाइन कहते हैं, ये इंट्यूशन लाइन है, या आप में सूर्य पर्वत पे यहाँ त्रिकोण बना हुआ है, या आपके गुरु पर्वत पे ऐसे त्रिकोण बना हुआ है, तो ये आप में क्षमता को बढ़ा देते हैं हायर सेल्फ में जाने। जैसे गुरु पे बना होगा तो गुरु मतलब नॉलेज, आपके पास नॉलेज आएगी तो बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उस तरह के बहुत सारे साइन और सिम्टम्स मैंने बताए हैं, आप पेमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों मैंने बात करी है कई सारे एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली में ये योग कैसे देख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको सभी ग्रह अच्छे से कंप्रेहेंसिव स्टडी करना है, लेकिन कुछ विशेष स्थान है जो आपको देखने आ सकते हैं, जैसे कि आपका ये 12वां स्थान, जो कि स्पिरिचुअलिटी का घर ही होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कहीं ना कहीं वो ये हाउस जो है आपका ताकतवर होगा। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे आपका 7th हाउस 8th हाउस ही देखा जाएगा, उसके अतिरिक्त 9वां कुंडली 10वां कुंडली भी देखी जाएगी, बट अगर यहाँ पे किसी भी तरह का दोष बन रहा है, मतलब कार्मिक एनर्जीज जो होती हैं, कार्मिक एनर्जीज दो चीजें होती हैं, और दूसरी होती है कार्मिक पार्टनर। अगर आपके में दो एनर्जीज हैं, जब तक आप कार्मिक एनर्जीज को, कार्मिक पार्टनर को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप इस 3D प्लेन से आप 4D में नहीं जा पाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आप किसी एक दिशा में बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रीम में चले जाएंगे, लेकिन आप में बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस होने के लिए जिस भी दोष का हो पर्टिकुलर ग्रह वाइज, आप वहाँ उपाय कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में जाएंगे, कार्मिक एनर्जीज आपके अंदर से रिमूव होगी विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, इसमें यूज़ करेंगे इनर वर्क का यूज करेंगे, तो हम आसानी से अपने डायमेंशंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से निकलते हैं, मतलब आपका इनसे अट्रैक्शन तो रहेगा, मतलब आप इन चीजों को पाना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये चीज बेसिक नीड्स हैं, हर मनुष्य के अंदर होगा, बट इनमें बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन है, जो मोह है इसके प्रति, जो कृष्ण कहते हैं मोह, अच्छा नहीं होता, वो खत्म होने लगता है इनके प्रति। लेकिन हाँ, इन चीजों को, सब चीजों को पा जरूर लेंगे, बिना पाए हुए इन चीज़ों को, आप अगर आपके पास मनी नहीं आ रहा है तब इसको छोड़ नहीं सकते आप। पहली बात, आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए सारे,
तभी आप इन चीजों को छोड़ पाएंगे। तो इसके बाद आपकी आती है 4D डायमेंशन। जब आपके कार्मिक रिलेशन रिमूव हो गए, आप 4D डायमेंशन पे आ गए, आपके ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे है, एनर्जी वाला सब सही है, तो आप एक सोल के लेवल पे आ जाएंगे। मतलब आप अपने आत्मिक चीजों को, अपने अंदर की चेतना को महसूस कर पाएंगे, अच्छे बुरे में फर्क बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आप में एक इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है, या तो एंजल्स आपको गाइड करते हैं, या तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में होने लगती है। आप सुबह उठना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे काम जरूर करेंगे जहाँ पे आपको अच्छी एनर्जी मिलने लगती है। इसका मतलब है कनेक्ट टू अ नेचर, मतलब प्रकृति के साथ, जैसे प्रकृति और पुरुष शिव शक्ति दो शक्तियाँ हैं, उसमें प्रकृति के साथ आप कनेक्ट होने लगेंगे, नेचर के साथ आप कनेक्ट होने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही आप यहाँ से ये सारी चीज़ें, इंट्यूशन आया, आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया, पूजा अर्चना की, किसी भी तरह से अपनी और एनर्जी को इन्हेंस किया, देन आप आ जाते हैं 5D प्लेन पे। ये आपका हायर सेल्फ होता है, आपके अंदर आपका यहाँ पे ईगो डिसॉल्व होने लगता है। जैसे यहाँ पे ईगो सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ईगो और कम हो जाएगा, क्योंकि आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं ना। किसी भी एनिमल को ईगो नहीं होगा, जैसे कोई कोई रैबिट ले लीजिए, रैबिट के अंदर ईगो तो होगा नहीं कि हमने ये किया, हमने ये घास खाई है, तो एक्चुअली ये ईगो डिसॉल्व होने लगेगा। वैसे ही आप 5D प्लेन पे आ जाएंगे रियल में, वहां पे आपके अंदर ईगो बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि आपके लव और ईगो दोनों एकदम अपोजिट हैं। यहाँ ईगो जैसे ही खत्म होगा, आपका हायर सेल्फ डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर लव एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्स है वो जनरेट होगी, आपका हार्ट चक्र वाइब्रेशन बढ़ेगी, एनर्जी आप में बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन आप में बढ़ जाएगी, और आप पहुंच जाएंगे 5D प्लेन पे। जैसे ही आप 5D प्लेन पे पहुंचते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, आप यूनिवर्स के 12 रूल्स जो मैंने पहले की वीडियोस में बताए हैं, वो सभी रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने हायर फॉर्म पे, आप अपनी हायर एनर्जीज पे, डेट्स वाई कि आप सक्सेस करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये थी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं हम 3D प्लेन से 5D प्लेन पे आना क्यों जरूरी है। आगे की वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो वहीं तक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार दोस्तों।